फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में हम स्वागत करना चाहते हैं, हम वेलकम करना चाहते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो है इंसोमनिया यानी अनिद्रा। फ्रेंड्स आप जैसा कि जान रहे हैं कि अनिद्रा की बीमारी आज कॉमन होती चली जा रही है, इसका कारण क्या है आइए हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर पहुँचाइए। फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स अनिद्रा इंसोमनिया ये है क्या फ्रेंड्स? फ्रेंड्स ये एक प्रकार के हमारे नर्वस सिस्टम की डिसीज है। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड कि मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नामक दो हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में। जब हम टेंशन में होते हैं तो ये इस हार्मोन का मात्रा बढ़ जाती है मेलाटोनिन का, और वो हमारे चिंता का दर्द का और उसके साथ साथ आक्रोश का कारण बनता है। और उसी के विपरीत जब हम खुश होते हैं तो सीरोटोनिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन हो जाता है। इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि हमारा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या और संगत ऐसी है कि हम लगातार इन सभी चीज़ों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, और जिसके कारण वही बात हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप इंजॉय करेंगे, आपको अच्छी निद्रा आ जाएगी, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें आपके दिमाग में बार बार आती हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, आपको अनिद्रा हो जाती है और प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से इंसान मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके दिमाग काम नहीं करती फ्रेंड्स अच्छे से, वो आक्रोशित हो जाता है और यहाँ तक कि तरह तरह के उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे लगभग फ्रेंड्स आज हमारी 70-80% आबादी इसके कारण ग्रसित है और इससे त्रस्त है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके लिए सबसे अच्छा जो हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन हमें आपको अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम दिन रात अपने पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम दिन रात भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और आजीवन नहीं होगी, क्योंकि एक प्रक्रिया ही है। लेकिन अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए 40 मिनट, 1 घंटे का समय निकालें, सुबह सुबह हम एक्सरसाइज प्रॉपर करें, आधा लीटर तक तो नॉर्मली हर इंसान पसीना बहा सकता है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, और मेडिटेशन भी इसका एक अच्छा उपचार है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये तो सब कोई जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आपका खान पान इसके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे खाने होते हैं फ्रेंड्स जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देंगे और उसके साथ साथ आपके शरीर में किसी प्रकार का टॉक्सिन्स नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि इसके कई कारण हो जाते हैं फ्रेंड्स। स्ट्रेस भी हो जाता है, गैस्ट्रिक भी, अगर आप गैस के रोगी हैं, आपका पाचन तंत्र नहीं सही है, क्योंकि इंसान का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पाचन तंत्र है। अगर हमारा आपका पाचन तंत्र नहीं सही है, गैस्ट्रिक है, पाइल्स है, डकार आ रही है, अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो इंसान को नींद कभी नहीं आएगी फ्रेंड्स, और एक उसके शरीर में एलर्जी टाइप से बना रहेगा और वो बहुत परेशान रहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको हमारे चैनल में एक डाइट प्लान है फ्रेंड्स, हमारा आपका खान पान और हमारी मतलब हमारा आपका खान पान और बीमारियाँ, वो उसको जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल है फ्रेंड्स। हमारा ये मानना है और आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह सुबह आपको हरी साग सब्जी या फल खाने चाहिए, कोई भी तली भुनी तेली फैटी युक्त चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जो नेचुरल चीज़ें हों, जो नेचर से प्राप्त हुई हैं, सलाद खा सकते हैं काट के, है ना, खीरा है आपके पास, गाजर है, मूली है, टमाटर है, सभी का सलाद बना के यूं ही नाश्ता कर लीजिए, क्या बुरा है। उसके बाद फल भी ले सकते हैं आप, 3-4 प्रकार के फल 12 बजे तक ले सकते हैं, और दोपहर के खाने में आप ये सभी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, और शाम का भोजन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा, हमको नींद आएगी, हमारा भोजन पचेगा और हम पेट के मरीज हमें नहीं होगा या पेट के मरीज हम नहीं होंगे, क्योंकि अनिद्रा का जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है फ्रेंड्स स्ट्रेस के बाद, यानी कि आपकी जो ऐसा कहा जाए कि जो टेंशन है उसके बाद, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया। अगर आपका पाचन तंत्र प्रॉपर सही है, अच्छे से भूख लग रही है, अच्छे से पेट साफ हो रहा है, गैस्ट्रिक नहीं हो रही, एसिडिटी नहीं हो रही है, तो आपको कोई बीमारी नहीं और अच्छी नींद आएगी। इसी के संबंध में फ्रेंड्स एक बहुत ही दिनों के सर्च के बाद लोगों के ऊपर ट्रायल करके, लोगों के ऊपर रिजल्ट देख के अपन ने एक कम्बिनेशन बनाया है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमने देखने को मिला है फ्रेंड्स। ये आपका कम्बिनेशन, 2 कम्बिनेशन आते हैं फ्रेंड्स, कैसा भी ऐसी समस्या हो, उनको मेंटल डिसऑर्डर या किस इंसोमनिया हो, इसके साथ साथ उनको बहुत सारी और भी जो भूलने की बीमारी हैं, जो भी मेंटल संबंधी और भी बीमारी हैं, सिजोफीनिया हो, इस तरीके से कई बीमारियाँ हैं, उन सभी के लिए ये कम्बिनेशन 30-30 सुबह दोपहर शाम हम देते हैं, और ऐसे रिजल्ट आए हैं फ्रेंड्स कि
बहुत ही बेहतरीन पुराने वीडियोज में दिए भी गए हैं कि उनको नींद ही नहीं आती थी, दो दो दिन तीन तीन दिन आंखें लाल हो जाती थी, ऐसे केसेस में बहुत बेहतरीन ये रिजल्ट दिए हैं और अच्छी निद्रा आती है। और निद्रा की बात नहीं है, जब वो सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेशनेस रहते हैं, शरीर में जान रहती है। अक्सर आप देखें कि जो लोग लेट खाना खाते हैं, जो गैस्ट्रिक के रोगी रहते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनको काफ़ी वीकनेस रहता है, कमजोरी रहती है उन, मतलब आधा एक घंटा तो चार्ज ही नहीं हो पाते, मतलब एक्टिविटी शरीर नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा इसको जब देते हैं सुबह पूरी तरीके से फ्रेश रहेंगे और बहुत अच्छा हमको फील होगा और अच्छी निद्रा आएगी और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होगी फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसीज है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अनुमति दीजिए, निश्चित तौर पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और कोई प्रश्न है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो अनुमति दीजिए,